हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो यूएन नंबर मिल गया, यूएन नंबर करना कैसे, वो वीडियो बन गया। अब मैं आज बनाने वाला हूँ फ्लाइट प्लान, टू हाउ टू क्रिएट ए फ्लाइट प्लान रेगुलेशन के हिसाब से, अगर आपके पास यूएन नंबर है तो। और अगर आपका यूएन नंबर नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिला अब तक आपको, तो मेरे पिछले वीडियो देख लें कैसे करना है। जीएसटी नंबर है या नहीं है, नो इश्यूज, किसी के पास नहीं है, मैंने ले लिया है, कैसे लिया है वीडियो जाकर देखें। और जहाँ तक आधार कार्ड वाली बात है, काफ़ी लोगों को नहीं पता लग रहा, पर मज़ा नहीं आया कमेंट्स में, अच्छे से कमेंट्स करो ताकि पता लगे भाई यस यू वांट, तब मैं वो बना दूंगा वीडियो। कि आधार कार्ड का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा वो करना है, डाउनलोड करके कैसे करना है वो मैं बताऊँगा, पक्का बताऊँगा, बट थोड़ा अच्छा कमेंट्स की बचार करो, वीडियो को वायरल करो, ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले हैं तभी मैं कह रहा हूँ। तो अब मैं करने वाला हूँ आज के वीडियो में हाउ टू क्रिएट फ्लाइट प्लान, क्योंकि अब रेगुलेशन आ गई हैं, प्रॉपर सब हो गया है, यूएन नंबर मिल रहे हैं, तो कैसे लीगली आपने फ्लाइट प्लान बनाना है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, वो मैं दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, पूरा मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और ये वहीं पर आपको अलाउ होगा जो कि आपके ग्रीन एरियाज हैं, ग्रीन एरियाज, रेड एरियाज, येलो एरिया, तीन मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। रेड जोन वो है जहाँ पर आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है ड्रोन उड़ाना, येलो एरिया वो है जहाँ पर आप स्पेशल परमिशन लेके उड़ा पाएंगे, और ग्रीन एरिया वो है जहाँ पर जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं उड़ा रहा हूँ, फ्लाइट प्लान बना रहा हूँ और आप वहाँ उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई खोजेंगे ग्रीन एरिया, और जहाँ मैं रहता हूँ वो रेड एरिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे घर के पास बिल्कुल एयरपोर्ट है, और जब से मतलब ये सब कुछ हुआ है, मतलब मैपिंग हुई है, तब से मैं यहाँ अपने घर के आसपास ड्रोन नहीं उड़ा सकता, वो टेक ऑफ ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये रेड एरिया बिल्कुल एयरपोर्ट के थोड़ी दूरी पर ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कर लिया है लॉगिन, अब हमारा एक हमारे पास मैविक एयर है, एक्टिव यूएन नंबर है, हमें इशू हो चुका है यूएस, मतलब ये ड्रोन का नाम है अनमैन्ड एरियल सिस्टम, या कुछ भी कह सकते हैं हम एयरक्राफ्ट। तो सबसे पहले हमने फ्लाइट प्लान, हमारा कोई नहीं बना हुआ फ्लाइट प्लान अप्रूव्ड में, कौन सा आया, कोई मैंने बनाया है क्या, हम फ्लाइट प्लान्स में जाएंगे, यहाँ पर कोई इनका अप्रूव कर लिया होगा पिछला, मैं नया बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको प्लस का निशान दिखेगा, तो इसको करें ऐड, तो ऐड में आपने करना है क्रिएट ए फ्लाइट प्लान। देखिए आप जैसे ही आप फ्लाइट प्लान क्रिएट करेंगे, आपका यूएन नंबर यहाँ जो रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा, हमारा यही वाला है, इसी को मैविक एयर है हमारे पास माइक्रो कैटेगरी का, इसी पर हमने बनाना है, फिर करें कंटिन्यू, ठीक है, ये आपका सब आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेक ऑफ प्लान, कितनी आपने करनी है टेक ऑफ, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा जितनी भी आपने करनी है उससे ज़्यादा ही करें। अब मैं जैसे 5 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 5 फ्लाइट्स उड़ानी है वहाँ पे टेक ऑफ करनी है, कंटिन्यू कर दिए। अब ये विजुअल लाइन ऑफ साइट में करनी है कि बियॉन्ड BVLOs, तो कभी भी ये क्लिक मत करें क्योंकि ये डेंजरस है, और ये आप क्लिक कर देंगे तो इस पर आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ऑलवेज मतलब चांसेस यही है नहीं दी जाएगी, तो ये क्लिक करें। विजुअल लाइन मतलब आपके आंखों के सामने ही ड्रोन रहेगा, ज़्यादा दूर आप नहीं लेके जाएंगे। चूज़ अ पर्पस, अब जो मेरे वेडिंग वाले लोग हैं, वीडियोग्राफर्स काफ़ी लोग हमारे चैनल पर हैं, तो वो क्लिक करेंगे फोटोग्राफी, या आप एज ए इंडिविजुअल भी अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तब भी आप ही कर सकते हैं, और हम जो हैं यूट्यूबर्स वगैरह तो रिक्रिएशनल कर देंगे, तो ये रिक्रिएशन सबके लिए भी चलेगा, ठीक है, वो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए बढ़िया है। उसके बाद कंटिन्यू करें, तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये मैप आ जाएगा, आप जैसे इंडिया का मैप खुल रहा है, ठीक है, और कंप्लीट मैप आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपने डालनी है डेट सबसे पहले, कि किस डेट को आपने एडवांस में लेना है, जैसे आज 7 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये शनिवार का ले लेता हूँ 11 दिसंबर का, ठीक है, यहाँ नीचे टाइम मैं ले लेता हूँ 2:03 PM का, 12, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम है, तो 15 बजेंगे तो इसका मतलब है 3 बज गए, और ये कर देते हैं हम 00, ठीक है, 15 बजे का टाइम मैंने कर दिया सेट। तो 11 दिसंबर को 3 बजे हमारी फ़्लाइट शुरू होंगी, और कब तक चाहिए, 1 घंटे का टाइम ले लें आप, डेट टाइम उसी दिन का, हमने ज़्यादा दिन तक तो करना नहीं है, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 16, यानी कि 4 बजे तक, 3 से 4 तक हमें टाइम चाहिए, ये स्लॉट हमारा चूज़ हो गया। मैक्सिमम अल्टीट्यूड कितना रखना है आपने, तो अलाउड जैसे जो लिखा हुआ है 400 फीट है, तो उतना ही
डालें या 390 कर लें ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो जैसे वो करेंगे वो आपका, वहाँ मैंने 390 फीट डाल दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सर्च प्लेसेस। ठीक है, अब मैं सर्च प्लेस करूँगा यहाँ पर जो कि ग्रीन एरिया में हो और कोई प्रॉब्लम आए ना। अब जैसे मैं करता हूँ सेक्टर 14, तो जैसे आप करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि वी हैव ड्रॉन एन एरिया ऑपरेशन अराउंड द सिलेक्टेड लोकेशन, प्लीज़ यूज़ ड्राइंग टूल्स टू ड्रॉ ए न्यू एरिया और एडिट सर्कल। सर्कल अलाउज विजुअल लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन विच इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइट ऑफ द पायलट। तो अब ये सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने ब्लू दिखा दिया, ये मेरी लोकेशन दिखाई है कि मैं यहाँ पर सेक्टर 14 में जब मैं खड़ा हूँ ड्रोन लेके, तो ये जो एरिया है ब्लू वाला, इसके अंदर अंदर आपने ड्रोन रखना है 1 किलोमीटर की रेडियस में। ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना, 1 किलोमीटर। ये आपका विजुअल लाइन ऑफ विजुअल साइट पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आउट ऑफ लाइन ये अलाउ करता है या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो यही रखते हैं कि हम अपनी आंखों के सामने ड्रोन को रखेंगे। आई गॉट इट। उसके बाद आपने करना है कॉन्टिन्यू। अब ये कह रहा है फ्लाइट प्लान एरिया इंटरसेक्ट्स विद रेड जोन एरिया। अब ये देखिए यहाँ पर वार्निंग आ गई है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है रेड जोन एरिया के साथ। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्रिएट फ्लाइट प्लान एरिया ऑन डिफरेंट लोकेशन, तो अभी कह रहा है डिफरेंट लोकेशन में करो, तो अगेन विल चेंज द लोकेशन। बंदी का इसने एरिया ले लिया, चूज़ पायलट्स फॉर दिस ऑपरेशन। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आपने पायलट चूज करना है, वॉन्ट टू ऐड एनी अदर पायलट, प्रीव्यू प्रेस एंटर, प्रीव्यू कर डालें आप। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, आपको ये एक पायलट ऐड करना पड़ेगा, या तो आप खुद रजिस्टर होने चाहिए एज ए पायलट, या फिर आपको किसी और पायलट के साथ एसोसिएट करके उड़ाने दिया जाएगा। अब जैसे मैंने ऐसे ही रैंडमली नाम सर्च कर रहा था, ये किसी उज्जवल कुमार मिश्रा का नाम आ गया, इनका पायलट आईडी भी आ गया है, इन्होंने सब जो भी है रजिस्टर कर रखा है इस पर जो भी है एज ए पायलट, तो मुझे इसके साथ ही परमिशन मिलेगी, फ्लाइट प्लान डिसाइड होगा। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप को रजिस्टर करना कर सकते हैं या नहीं एज ए पायलट ऑन दिस वेबसाइट, तो लेट्स सी। अगर आप अपना ड्रोन उड़ाना चाहते हैं लीगली, तो इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा कि हमें ये वाला जो लाइसेंस है ना, रिमोट पायलट लाइसेंस एग्जामिनेशन जो है, ये हमारे को ये करने के बाद हमें जो स्टार्टिंग वाला जो पायलट है वो हमें मिल जाएगा, और वो है बेसिकली ये स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस। ये एटलीस्ट RPTO हमारे पास होना चाहिए अगर हम आप रजिस्टर होना चाहते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि कोई भी बंदा आप मैं ये हम कर सकते हैं, जो ये लाइसेंस जो है हम ले सकते हैं। तो क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th का सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी फ्रॉम द स्टूडेंट। तो आपको RPTO ऑथराइज जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वो भी बना रखा है वीडियो, तो वो उसके बाद आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर वो आपको वैलिडेट करेगा, फिर वो ग्राउंड क्लासेस लेगा, आपकी टेस्ट होगा, आपका थ्योरी टेस्ट, फिर जब आप वो सब चीज़ें करते हैं पास करते हैं, फिर वो आपका जनरेट कर देगा SREPL, फिर एक फ्लाइट ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपको ये रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, मतलब जनरेट हो जाएगा। फिर आपने फॉर्म नंबर D4 भरना है, अटैच रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड 100 रुपीज़ की पे करनी है फीस थ्रू DSP, जो ये सारा प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद आपको नोटिफाइड टू द स्टूडेंट, फिर मतलब बेसिकली सबमिट करना है 100 रुपये की फ़ीस, तो DGCA फिर वो वेरीफाई करेगा सब डॉक्यूमेंट्स आपके, मतलब थ्योरी का टेस्ट कैसा हुआ, स्किल टेस्ट सारा सही है, ये सब अगर सही है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर DGCA आपको इशू करेगा REPL ऑफ अप्रोप्रिएट कैटेगरी। ठीक है,
और फिर आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की, DSP से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जिससे हर मदद से फिर आप खुद भी उड़ा पाएंगे ड्रोन और किसी और को आपके साथ उड़ाना है, मतलब उनके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उनके साथ एसोसिएट होके अपनी फीस लगा के, तो एक तरह से ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, और वो जब आप कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे बेसिक वाला है। अब इसके बाद कई तरह के आपको यहाँ पर हैं अवेलेबल लाइसेंसेस, तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब, नेचर ऑफ जॉब, आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस ही चाहिए होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर ये उड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे कुछ क्लियर हो गया कि आप सीधा सीधा लीगली, अगर आप UA नंबर लेके फ्लाइट प्लान बना के उड़ाना चाहते हैं ड्रोन, तो आप सीधे सीधे तो उड़ा नहीं सकते। आपको ऐसा कोई बंदा चाहिए साथ में, चाहे आप खुद उड़ाएं ड्रोन, लेकिन वो आपके साथ हो, रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कि पायलट हो, ड्रोन पायलट हो। तो अब ड्रोन पायलट बनने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बताया। तो लीगली यहाँ सब कुछ करने के लिए माइक्रो कैटेगरी की बात हो रही है, छोटा ड्रोन है, नैनो, उसमें कोई झंझट की बात नहीं है। माइक्रो कैटेगरी के लिए ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद उड़ाना चाहते हैं तो ये जो स्टूडेंट वाला है सबसे मिनिमम कैटेगरी का, वो आपको लेना पड़ेगा। आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं इंडिया में तो लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ड्रोन का भी वही हिसाब है, ड्रोन उड़ाना है, खुद उड़ाना है, तो ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए नहीं पड़ेगी। उसके बाद पेपर देना पड़ेगा, और पेपर देने के बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत तो आपकी एजुकेशन हो, सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज होना, इंग्लिश में होगा सारा कुछ, और बेसिक बताएंगे आपको, आपको वैसे भी वो चीज़ें पता होंगी ड्रोन के बारे में, और उसके बाद एक फ्लाइट स्किल टेस्ट कर लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपके बिल्कुल रहने वाली जगह के आसपास जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, वहीं से आप ये लें सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको फ्लाइट स्किल भी दिखाना है वहाँ पे। आई नो आप सबको ड्रोन उड़ाना आता है, बहुत अच्छे से आता है आपका, मतलब जो प्रैक्टिकल हैंड है, मतलब वेडिंग वीडियोग्राफर सबका है, मैंने देखा, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ शूट करते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये लोचा है, एक यू नो वो है, मतलब एक वो जैसे मैंने खाना है, खाना है, वो आपको भरना पड़ेगा, तब आपके पास वो एक कागज़ आ जाएगा जिसकी मदद से आप लीगली उसको हर जगह उड़ा सकते हैं। और उसका फ़ायदा भी है, अगर वो कागज़ आपके पास है तो और कोई आपका फ्रेंड उड़ाना चाहता है तो वो आपकी रिक्वेस्ट डालेगा, जैसे मैं हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं पायलट नहीं हूँ, एक आप आदमी, एक राम राम जी है, मिस्टर राम जी, उनके पास है, अब मुझे ड्रोन उड़ाना है, तो मैं फ्लाइट मैन बनाऊंगा, तो मैं डालूंगा पायलट का नाम, तो राम जी का डालूंगा, मेरे दोस्त हैं, तो राम जी के पास वो एक मैसेज चला जाएगा DGC से कि ये जो अंशुम लोधरा जी हैं, ये ड्रोन उड़ा जाते हैं, आप उसके साथ जाकर उनका ड्रोन उड़वाएं, आप उसके बदले में राम जी मुझे चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी तो आप भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इस व्यंजनों में नहीं पढ़ना चाहते, फॉर योर सेल्फ खुद उड़ाना है, तो खुद आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा और कोई ट्रिक मुझे पता लगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सीधा उसको, बस अगर कोई ये फॉर्मेलिटी ही है, वैसे मेरे को लग नहीं रहा इस तरह से बनाया सिस्टम, तो ऐसे ही चलेगा, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा कोई जुगाड़ निकलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो आई एम ट्राइंग दैट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।